प्रणाम दुख शमन, प्रणाम दुख का शमन कर देता है, प्रणाम आपके जीवन से सभी तरह के दुखों का नाश कर देता है। एक बहुत छोटी सी बात मैं आपसे कहता हूं, जीवन में कई बार लगता है प्रणाम करना जरूर आना चाहिए। जिन बच्चों को जिनको प्रणाम करना आता है उनका जीवन बड़ा सुंदर होता है, क्योंकि प्रणाम अहंकार को समाप्त कर देता है। जितना झुकोगे जीवन में उतना बढ़ोगे। सदपुरुषों का, संत जनों का, ब्राह्मणों का, संतों का और अपने से जो भी बड़े हैं उनको प्रणाम जरूर करो, आशीर्वाद जरूर, क्योंकि आपके और हमारे कई ग्रहों की स्थिति गड़बड़ हो सकती है लेकिन किसी का आशीर्वाद जीवन का बड़ा कल्याण कर देता है। और आपको प्रणाम की महिमा बताता हूं कि महिमा कितनी है, और संतों का आशीर्वाद की महिमा मैं आपको बताता हूं। ये घटना वृंदावन की है। एक बार एक व्यक्ति जो बिल्कुल अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था, उनका एक व्यक्ति रिश्तेदार अपने उस दुखी रिश्तेदार को लेकर वृंदावन में एक संत के पास पहुंचे और वे बड़े दुखी थे, बड़े दुखी थे। वो इतने दुखी थे कि क्या कहा जाए। जब उन्होंने उनसे उनके दुख का कारण पूछा तो उन्होंने बोला, साहब बीमारी में बेटा चला गया। एक ही बेटा था, बड़ी मुश्किल से था, और अब जीवन में जीने इतना सब कुछ उससे लाड़ था, अब जो भी है मगर अब जीने की उम्मीद नहीं है, ना जीना चाहते हैं, बस मर जाएं। बहुत दुख की बात थी, बात तो बिल्कुल सही थी, लेकिन संत के पास जब कोई समस्या जाती है तो उसका अंत होना निश्चित होता है। सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, तो बोला तुम्हारे वास्तव में कारण क्या है। बोला बस मेरी संतान चली गई, मेरा जीवन का क्या। बोला ठीक है, जा तुझे संतान हो जाएगी। अब वो बच्चा उसका 14-15 साल का जो ऐसे कुछ था, शायद इससे भी ज्यादा एज रही होगी, जो भी कुछ रहा होगा। उन्होंने कहा कि साहब, वो कहने लगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये सत्य घटना आपसे मैं बता रहा हूं, क्यों नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इनकी पत्नी की जो बच्चेदानी है वो निकाल दी गई है, ऑपरेशन हुआ था, बीमारी हो गई थी, एम्स में उनका ऑपरेशन हुआ था, तो जिसकी बच्चेदानी नहीं है उसको बच्चा कहां से होगा। अब समझना बात को। अब ये बात उन्होंने कान में उनको बताई जो सज्जन लेकर आए थे। उन सज्जन ने जाकर महात्मा जी को बोल दी, महात्मा जी बात ऐसी ऐसी है। तो महात्मा जी बड़े आनंद से बैठे हुए थे, बोला चल भाग यहां से, डॉक्टर बड़ा होता है कि महात्मा बड़ा होता है, भाग जा अगले साल लेके आना। अब आप सोचिए साहब, विज्ञान के युग में आपको प्रमाण चाहिए, मैं प्रमाण भी दूंगा। आप सोचिए कि जिसका जो है बच्चेदानी जिसके शरीर में ना हो, वो उस समय की घटना है जब ट्रांसप्लांट भी नहीं, और आज भी शायद वो नहीं लग पाती, मतलब उसका नहीं होता कि इधर से उधर हो जाए, ऐसा कुछ तो भी है। उसको एक साल बाद एक लाली हुई, एक बच्ची हुई, हाँ, और उस बच्ची को लेकर वो आए और वो सामने रख दिया, बोला लो साहब। उसका वो परिचित कोई डॉक्टर था जिसने वो ऑपरेशन किया था एम्स में, उसने उसको फोन किया, बोला हो ही नहीं सकता, ऐसे थोड़ी होता है, बोला ये तुम गड़बड़ है कुछ, बोला गड़बड़ नहीं है, इधर आओ, सारी पूरी प्रोसेस बताई, पूरा ये दिखाया। वो वहां से दौड़ा दौड़ा आया दिल्ली से और नतमस्तक हो गया, बोला बाबा जी बस कृपा करो। आप समझ रहे, वो मेडिकल साइंस बाद में ये कहने लगा कृपा करो, जितने अभी कह रहे हैं ना ये बाद में बाबा से यही कहेंगे कृपा करो। मेरा इशारा समझ रहे होगे आप।
एक व्यक्ति अगर वहां मर गया तो तुम्हारे यहाँ आदमी कैसे मर गया कोरोना से, और तुम्हारे हजार डॉक्टर चले गए बेचारे सेवा करते करते, आप उनको नहीं संभाल ला पाए। दूसरों पे किसी भी तरह की उंगली उठाने के पहले अपने गरिमा में देखना जरूरी है। आपने इंसानों के ऊपर हेट एंड ट्रायल किया, कभी प्लाज्मा को लेके, कभी वो शिविर को लेके, कभी किसी को लेके, वो सारी चीजें आप हटा रहे हो, नहीं ये काम नहीं कर रही, ये बेकार है, ये बेकार है, बेकार। तो इंसान है कि जानवर है, लेकिन आपको कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बड़ी सत्ता में हो। लेकिन सत्ताएं तो सिकंदर की भी ना रही, सत्ताएं तो किसी की नहीं रही। जीवन में ध्यान रखना पड़ेगा। समस्या यह है कि 20-50-100 रुपए का काढ़ा पी पी के लोग सही हो गए, जाहिर सी बात है लोगों का धंधा तो बेकार हुआ, बहुत सारे लोगों का, इसमें कोई दो राय नहीं। पर क्या करोगे महाराज? उस व्यक्ति को उस उम्र के अंदर वो बेटी हुई, और आपको बता दूं आज वो डॉक्टर भी जिंदा है, वो बेटी भी जिंदा है। और उस बेटी ने बाद में जब वो आते रहे बाबा से, तो एक दिन कहा कि बाबा भैया चाहिए। बाबा ने बड़ा डांटा, बोला ये कौन ने कहा तेरे को? तो बोला तेरी माँ को बोला। बोला माँ ने बोला। बोला महाराज बस एक कृपा। बोला आज के बाद मत कहना ऐसे, जाओ। और 34 साल जब थी कि वो बेटा बेटी भी जीवित है आज, वो डॉक्टर भी जीवित है, और ये चमत्कार भी जीवित है आज। तो भैया ना जाने किस विष में नारायण मिल जाए। संतों का प्रताप सिद्धता इतनी होती है, इतना उनमें तप होता है कि उसके तप की ताकत इतनी है कि वो जो चाहे वो कर देते हैं। क्यों? आत्मदेव की कथा नहीं सुन, अभी सुनेंगे हम। जबकि उसकी माथे की लकीरें पढ़ के उन्होंने बोल दिया तेरे को 7 जन्म ले लियो, तेरे को औलाद नहीं होगी। लेकिन संत का प्रताप देखिए, उन्होंने कहा ये लो। और इंसान छोड़ो, गौ माता ने पुत्र को जन्म दे दिया। अब आप सोचो, विचार करके देखो। इसलिए अपने जीवन में संतों का सानिध्य जरूर रखें, संतों का सानिध्य जरूर रखें।